कानपुर में नौबस्ता के गरड़ीनपुरवा में नाली निर्माण के लिए घर का चबूतरा तोड़ने को लेकर विवाद में बीती 21 अप्रैल को ट्रक चालक ने बुजुर्ग श्री रामपाल की पीट मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर मृतक की बेटी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। मृतक की बेटी शिल्पी ने बताया कि पिता की मौत के बाद वो और उसकी बहन रोज नौबस्ता थाना पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने जाते थे, लेकिन SHO लगातार टाल रहे थे। नौबस्ता पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या आरोपी को पकड़कर कई थाने में बैठाने के बाद आरोपी से साठगांठ करके और राजनीतिक दबाव में थाने से छोड़ने का आरोप मृतक की बेटी ने लगाकर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई गई है। मैं नौबस्ता की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। वो रोड और रोड बनने के विवाद से तीन लोगों ने, बैजनाथ, बीनूपाल और भारतपाल, इन तीनों ने मिलकर मेरे पिताजी को ईंट से कुचलकर मार दिया। उसके बाद मैंने 22 तारीख को मैंने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मेरे पिताजी की बॉडी को भेज दिया।